के जहांगीरपुरे में आज सुबह भी आगजनी और पत्थरबाजी के सबूत देखे जा रहे हैं। हर गली के बाहर चौक चौराहे पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव के सबूत रविवार सुबह भी जहांगीरपुरी इलाके में देखने को मिल रहे हैं। सुबह की तस्वीर हमें आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज रात में यहां पर डिप्लॉय कर दी गई थी। जितनी भी गली आप यहां पर देख रहे हैं, उन हर गली के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान आपको तैनात यहां पर नजर आ रहे हैं और किसी को भी गली से बाहर आने की इजाजत अभी भी यहां पर नहीं दी जा रही है। पुलिस यहां पर डटी हुई है। सीनियर अधिकारी भी सुबह सुबह यहां पर पहुंचे हुए, लेकिन सबूत आपको दिखाएं कि किस तरीके से तांडव शनिवार शाम को जहांगीरपुर इलाके में देखने को मिला। तो सड़कों पे अभी भी आपको पत्थर जो है वो पड़े हुए साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। हालांकि रात में काफी हद तक जो सफाई है सड़कों की वो करवा ली गई है, लेकिन इस तरीके की ईंटों का इस्तेमाल जो है वो पथराव के दौरान किया गया है और अब पुलिस ने इन सबको क्लीन किया है और एक साइड पर पूरा मलबा इकट्ठा किया गया है। लेकिन सुबह की तस्वीर अगर हम आपको यहां पर दिखाएं, तमाम दुकानें सुबह भी बंद है। डिप्लॉयमेंट यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस का किया हुआ है और सड़क की आप तस्वीर देखिए कि जब यहां पर आगजनी और पत्थरबाजी की गई तो उसके सबूत अभी भी इन सड़कों पर आपको नजर आ जाएंगे। जो तोड़फोड़ की गई गाड़ियों में उसके शीशे आपको सड़क पर बिखरे हुए नजर आ जाएंगे। साथ ही आगजनी भी इसी जगह पर की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब शोभा यात्रा यहां से गुजर रही थी उसी दौरान दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ जाते हैं और दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी जो है वो यहां पर की गई, जिसके बाद अब तमाम जो सुरक्षा घेरा यहां पर बनाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस का सुरक्षा घेरा है, इस रोड को पूरे तरीके से बंद किया है। पुलिस ने बैरिकेड की हुई है। हालांकि दुकानें उस समय जब पत्थरबाजी हुई तब खुली हुई थी, लेकिन बाद में उन दुकानों को भी बंद करा दिया गया और पूरी सड़क की आप तस्वीर देखते चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको किस कदर पत्थरबाजी जहांगीरपुरी इलाके में हुई आगजनी यहां पर उसके सबूत आपको नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर टाटा 407 खड़ा था जो कि राशन के साथ मौजूद था, राशन उस गाड़ी के अंदर मौजूद थी। उस टाटा 407 को यहां पर तोड़ा गया और उसके शीशे आप यहां पर देख सकते हैं। ये सभी रिहायशी कॉलोनीज हैं जहां पर पथराव किया गया है और पैरामिलिट्री फोर्सेज द्वारा इन गलियों के जो गेट है आप देखेंगे उन गेट को बंद किया गया और हर गेट के बाहर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान आपको खड़े नजर आएंगे। सुबह की तस्वीर हम आपको दिखाएं कि ये पूरी जो सड़क है और सामने चौराहा देख रहे हैं, इस चौराहे से ही एक तरीके से कहें जो बवाल है वो शुरू हुआ था और बवाल इतना बड़ा कि इस पूरी रोड को अपनी चपेट में ले लिया और लगातार पत्थरबाजी और आगजनी यहां पर देखने को हमें मिली थी। आप ये देख रहे हैं कि सड़क पे अभी भी जो पत्थर है वो आपको नजर आ जाएगा। हालांकि काफी हद तक रात में दिल्ली पुलिस ने पूरी सड़क को साफ करवाया ताकि इलाके में शांति का माहौल बने, लेकिन सबूत अभी भी आपको नजर आ जाएंगे। आप देखेंगे कि इस जगह पर एक स्कूटी खड़ी थी जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, वो स्कूटी को भी आग यहां पर लगाया गया है और बैरिकेड एक तरीके से किया गया है क्योंकि क्राइम टीम भी रात को यहां पर मौके पर पहुंची थी। तमाम जो एविडेंस है वो यहां पे लिए गए थे और आप देख सकते हैं इस बैरिकेड के बीच में ये वो जगह है जहां पर स्कूटी जो खड़ी हुई थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि अब दिल्ली पुलिस ने जो जली हुई स्कूटी है उसको भी यहां से हटा दिया है, लेकिन सबूत आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस कदर तांडव रात के समय शनिवार शाम को यहां पर शुरू हुआ और देखते ही देखते ये पूरा इलाका जो है वो आगजनी पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। सड़क की ही बात ना करें तो गलियों के अंदर भी एक तरीके से जो पत्थरबाजी है वो की गई थी। इस गली के अंदर हम आपको जाकर दिखाएंगे, आप देखेंगे कि जो आग के सबूत है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और गलियों के अंदर घुसकर भी आगजनी और पत्थरबाजी लगातार की गई है। आपको अंदर जाके हम दिखाएंगे कि यहाँ पर एक जो रेडी खड़ी है जिसके अंदर सामान बेचा जाता था उसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि अब ये जो रेडी है उसको गली के अंदर खड़ा किया गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सड़क पर जब पत्थरबाजी हो रही थी, आगजनी हो रही थी, तो रिहायशी इलाकों को किस तरीके से टारगेट किया गया। ये पूरी गली है जिसमें लोग रह रहे हैं, घर लोगों के बने हुए, लेकिन गली के अंदर घुसकर भी पत्थरबाजी की गई और आगजनी यहां पर की गई है। तो हर गली के बाहर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान खड़े दिखेंगे और लोगों से अभी यही गुजारिश की जा रही है कि वो अपनी गलियों के अंदर ही रहें, गली के बाहर न निकले। हालांकि सुरक्षा की हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के भी शिविर अब यहां पर लगा दिए गए हैं और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और इसी तरीके से इस पूरी रोड पर जो एक तरीके से कहें कि सुरक्षा घेरा है वो यहां पर बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी लगातार
स्पॉट पर आ रहे हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की गई है, जिसमें दंगों की धारा समेत जो अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं उनकी IPC की धारा भी उसके अंदर जोड़ी गई है। और इस पूरे हादसे में 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में भी गोली लगी है। तो दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन 10 टीमें इस केस की जांच में जुटी हुई है और इलाके में शांति बनी रहे इसको लेकर तमाम कोशिशें और कवायद की जा रही है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ जतिन शर्मा, IndiaTV, दिल्ली। IndiaTV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें IndiaTV News Google Play Store या App Store पर।